जोधपुर के परम पावन राजस्थान की जोधपुर भूमि पर परम पूज्य संत शिरोमणि शिखर पुरुष योगी योद्धा संत श्री आशाराम जी बापू के उपदेश आज्ञा पर धर्म ज्ञान के पथ पर 25 दिसंबर के विदेशी तलवे न चाटते हुए स्वदेशी मूल और स्वदेशी मूल्य जागृत करने के लिए महान संत जो भारत भूमि के रक्षक बने, ऐसे जो आशाराम जी बापू के उपदेश के ऊपर पूरे भारत भर में माता तुलसी जी का जो पूजन, जीवंत पूजन, मर्त्य का पूजन नहीं, प्राणों का पूजन, लाठी का पूजन नहीं, रक्षा का पूजन, अत्याचार का पूजन नहीं, परोपकार का पूजन, लाचारी का पूजन नहीं, कृतज्ञता का पूजन, उपयुक्तता का पूजन, आरोग्य का पूजन, अंधकार का पूजन नहीं, अज्ञान का पूजन नहीं, प्रकाश का पूजन, तेज का पूजन, जीवंत पूजन, तुलसी माता जी का जो पूजन हम सभी ने आज जो 25 दिसंबर के मुहूर्त के पर्व पर अपने मूल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो जड़ें नींव जो संतों ने मजबूत की है, भर भक्कम की है, उन संतों के चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें वास्तव दिशा दी, प्रकाश का पूजन सिखाया, मानव जीवन के मूल्यों का, उच्चतम आदर्श जीवन का सिद्धांत सिखाया, हमें भोग विलासी संस्कृति से बचाकर हमें योग की ओर लेके आए। या तो हम रोगी बनते या तो भोगी बनते, भोगी की बाद की अवस्था रोगी है, मगर भोग की अवस्था का त्याग करके ही योगी बना जा सकता है, संसार में रहकर भी संतत्व प्राप्त किया जा सकता है, संसार को त्याग कर नहीं, संसार में रहकर संसार में ही संतत्व प्राप्त की जा सकती है, इसका प्रमाणिक जीवंत उदाहरण आशाराम जी बापू है। ना वन में गए, ना हिमालय में गए, ना कहीं आश्रमों में बैठे, पूरे भारत भर में संसार में संचार करके, संसार की शुद्धि करके, आज जो आप कोविड-19 में जिसने सैनिटाइजर शब्द सुना होगा, सैनिटाइजिंग, तो ये सैनिटाइजिंग जो आज शब्द है ना, क्रिया के माध्यम से बापू गत कई वर्षों से समाज का शुद्धिकरण कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, समाज के शुद्धिकरण के लिए उनका विचरण है, संचरण है, इनके हर शब्दों में, हर श्वास और प्रश्वास से। अभी जो थोड़ी देर पहले पत्रकार परिषद हुई, उसने एक पत्रकार ने मुझे बड़े गुस्से से पूछा कि अरे आप आए तुलसी पूजन के ऊपर और बता रहे आसाराम जी बापू का ज्ञान। मैं बोला हाँ, ये तुलसी वनस्पति अवस्था में है और मनुष्य देह की तुलसी आसाराम जी बापू है, वो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे स्पंदनों को अपने स्पंदनों से शुद्ध कर रहे हैं। जैसे दीदी ने आभा मंडल की बात बताई, उनके आभा में आने से हमारा जो संभ्रम था, भ्रमिष्टता थी, हमारी दिव्यता जो ओझल हो चुकी थी फिर से प्रज्वलित हो गई। तो जीवंत चलती फिरती तुलसी तो आशाराम जी बापू है। तो मैंने आशाराम जी बापू के ऊपर बोला, तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? मैंने आपको ना माँ की गाली दी, ना आपके पिता की गाली दी, मैंने तो हमारे कुल का उद्धार करने वाले कुल पुरुष को स्मरण करवा के देने वाले, हमें अपने जड़ों से, हम दूसरों के तलवे चाटने में लगे थे, हम इनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा ये देख रहे थे, हम अपने हित में क्या था, भारत के हित में क्या है, ये भारत के हित को सिखाने वाले भारत के युग पुरुष की पूजा, यानी यही तुलसी पूजा है। तुलसी पूजा वनस्पति के स्वरूप में हमने माता जी की कर ली, मगर बिना गुरु के स्मरण, बिना संतों का स्मरण, बिना महापुरुषों का स्मरण, आपकी सारी पूजाएं व्यर्थ है।